क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझिएगा इसको। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओमेगा ए ओमेगा, बिकॉज इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा क्यूब। ए ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो ए इंटू वन हो जाएगा, तो वैल्यू आ रहा है ए। तो मतलब यहाँ पे एज्यूम करना है कि यहाँ पे ए ओमेगा क्यूब है, तो स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए ओमेगा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। ये कैसे हुआ, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे बी ओमेगा है यहाँ पे, तो बी ओमेगा को लिख सकते हैं बी ओमेगा टू द पावर फोर, बिकॉज ओमेगा टू द पावर फोर का जो वैल्यू होता है ओमेगा ही होता है, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर बाहर, और नीचे में है आपका ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आया ओमेगा स्क्वायर। ये करना था आपको प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं हम लोग। 10 में है, इफ़ ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सो डैट 1 प्लस ओमेगा टू द पावर एन प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 0 4, जब n का वैल्यू 2 हो और 4 हो। एट फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जब n का वैल्यू ले लेते हैं 2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पे पावर 4 को तो अभी तुरंत लिखे थे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा पे पावर 4, ओमेगा पे पावर 4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 4। ओमेगा ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 4, देन ओमेगा टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा। तो इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है 0 होता है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। एन के वैल्यू की एन का जब वैल्यू 2 लेंगे, एन का वैल्यू जब 4 लेते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस ओमेगा 2 और यहाँ पे 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा पे पावर 8। तो 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 को क्या लिखोगे आप, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा आ गया, प्लस ओमेगा टू द पावर 8 को क्या लिखोगे आप, ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा, ये 3 का मल्टीपल है, जब 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 और इंटू ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो दोनों ही केस में ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ये था 10 और 9, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।